हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डेली हेल्थ टिप्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नाक में फुंसी होने का परमानेंट इलाज। हाँ, देखिए, पिंपल्स होने से ना कई सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती हैं, और अगर नाक के अंदर पिंपल हो जाए तो ये और भी ज़्यादा तकलीफ देती हैं, राइट? हाँ, साथ ही सांस लेने में और अन्य तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको झेलनी पड़ती हैं। ये प्रॉब्लम ना वास्तव में बहुत दर्दनाक और बहुत जलनसार होती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नाक के अंदर फुंसी होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि पेट खराब होने की वजह से या गर्मी की वजह से भी नाक के अंदर फुंसी निकल जाती हैं। इससे दर्द और सूजन के कारण बहुत परेशानी होती हैं। इस परेशान करने वाले फोड़े से राहत पाने के लिए आप कुछ होम रेमिडीज को अपना सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको 5 नुस्खे बताने वाली हूँ, जिससे कि आप बड़े आराम से इनमें से कोई एक उपाय को ट्राई करके ये जो दर्दनाक नाक की फुंसी होती है उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं ये उपाय, जिनमें सबसे पहले आप बर्फ़ के टुकड़े का इस्तेमाल करें। जी हाँ, नाक के अंदर इन्फेक्शन की वजह से फुंसी हो जाए तो उसमें ना तेज़ दर्द और जलन, मतलब इरीटेशन महसूस होती है, राइट? हाँ, तो ऐसे में इस तरह के फोड़े पर बर्फ़ से सेकने से तकलीफ़ कम हो जाती है। बर्फ़ का तापमान ना दर्द को कम कर देता है और जलन को भी कम करके वहाँ की सूजन को कम करता है। साथ ही साथ स्किन पोर्स में बैठी गंदगी को भी साफ कर देता है, जिससे बैक्टीरिया को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा और इससे फुंसी जल्दी से ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप एक बर्फ़ के टुकड़े को एक कपड़े में डाल के नाक पे, जहाँ पे आपको अंदर फुंसी हुई है, उस पे हल्के से मसाज करके उसका सेका दीजिए। नेक्स्ट, आप सेंधा नमक के पानी से नाक को साफ कीजिए। हाँ दोस्तों, दरअसल देखिए, सेंधा नमक ना इन्फेक्शन को कम करता है और इसमें त्वचा को ना एक्सफोलिएट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। आप सेंधा नमक के पानी से नाक को दिन में 2 से 3 बार साफ कीजिए। बेस्ट होगा कि पानी को थोड़ा सा गर्म कर ले, गुनगुना हो, तो इससे आपको दर्द से भी राहत मिल जाएगी। ओके, तीसरे उपाय में आप इलायची के पाउडर का इस्तेमाल करें। जी हाँ, देखिए, हरी इलायची जो होती है उसके पाउडर को ना पानी के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। अब इसके बाद में इस पेस्ट को फुंसी पर लगाना है। ऐसा 2 से 3 दिनों तक आपको लगातार करना है, आपकी जो फुंसी हुई है नाक के अंदर वो कम हो जाएगी, सूख जाएगी। दरअसल इलायची की तासीर ना ठंडी होती हैं, जो इन्फेक्शन को कम करके आपके फुंसी को छोटा कर देती हैं, उसे सुखा देती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आप गर्म सिकाई कीजिए। नाक के अंदर फुंसी निकल आई है तो आप गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक सूती कपड़े को गर्म करके इसे नाक की सिकाई करें। ऐसा करने से ना दोस्तों, सबसे पहले जो आपको फुंसी से दर्द हो रहा है नाक के अंदर, वो दर्द कम हो जाएगा और फुंसी भी सूखती जाएगी। आप इस उपाय को दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। सबसे लास्ट वाले उपाय में, मतलब 5वें उपाय में, आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें। देखिए, इसके लिए 1 छोटा चम्मच नारियल तेल और 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा को मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को आप अपनी नाक के मुहासों पर लगा लीजिए और हल्की सी मसाज करें। थोड़ी देर पेस्ट को लगे रहने दें और फिर इसे साफ करें और सादे पानी से अपने नोज़ को क्लीन कर लीजिए। ये ना आपके नाक के मुहासों को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है, इन्फेक्शन को रोकेगा तो आपकी फुंसी बढ़ेगी नहीं और उसकी सूजन में भी कमी आएगी। बहुत अच्छा उपाय है, ट्राई करके देखिए और नाक की फुंसी से छुटकारा पाएं।